अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं इस आदमी को, ये देखें, ये अपनी माँ के हाथ से खाना खा रहे हैं, अभी भी इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, चाय अपने हाथ से पी रहे हैं और रोटी जो है माँ के हाथ से खा रहे हैं। भाई इसकी क्या वजह है, आप मुझे बता सकते हो? बाबू राव का स्टाइल है। अरे बाबू राव तो मर गए कब का? स्टाइल छोड़ गया, तुम्हें भी छोड़ गया भाई। माशाल्लाह से ये मेरा भाई है, इसका एक्सीडेंट हुआ था, ये तकरीबन 1.5 साल हो गए इसको, ये कोमा में था, अभी कुछ टाइम हुआ तो ये होश में आया, तो माशाल्लाह से आप लोगों के सामने ये वेंटिलेटर में भी रह चुका है। ये आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त थी, दुआओं का जो सिलसिला मिला है आज मेरे भाई ने, खुद अपने मुंह से खा रहे, पी रहे, बातचीत कर रहे, तो बहुत सारी दुआएं करें और ये जल्दी चलना सीखे। ठीक है यार, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था इसमें भाई आपका? आप रोड क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पर हाथ क्यों रख रहे हो आप? आवाज नहीं निकलती क्यों? गला खुला हुआ है ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर होल हुआ है गले के अंदर ना, सुराख हुआ था, जो वेंट का वो होता है ना पेशेंट का, तो उसको यहाँ पर गले पर नाली लगाई जाती है ना, हमें तो नहीं है, इस बेचारे को है, माशाल्लाह से सेट हो गया ये, पर थोड़ा चल फिर नहीं सकता, बाकी खा भी रहा है अपने हाथों से, ये देखो माशाल्लाह से। खाने में क्या खाते हो? क्या पुलाव? वाह भाई वाह, खाने में भाई अपनी मनपसंद के चटपटे मसालेदार चीले, हाँ जिसमें मिर्ची नहीं हो वो चीज खाते हैं भाई ये माशाल्लाह से। और भाई कैसा लग रहा है आपको अल्लाह पाक ने नई जिंदगी? अल्लाह का शुक्र है, बस बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर।